फिलहाल मेकिंग न्यूज तो बहुत न्यूज बना रहा है और ये आपके माध्यम से मैं आपको धन्यवाद भी कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं करनाल के लोगों से मिल रहा हूँ, अपने मन की बातें कर रहा हूँ। के लोगों ने किया वो काम मैं करने जा रहा हूं। पहले भी कई बार आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस बार तो मेरे लिए बहुत ये स्पेशल है क्योंकि ये आज की चौकी मेरी माँ के प्रति समर्पित है, मेरी स्वर्गीय माँ। और करनाल की धरती को तो आते जाते वैसे ही मैं प्रणाम करके जाता हूँ। यहाँ इतना अच्छा ये अरेंजमेंट और इतने अच्छे लोग, इतना ये यहाँ जो हो रहा है ये सिर्फ इसका मतलब धार्मिक ही नहीं है, सामाजिक कार्यों में ये लोग बहुत अग्रसर हैं, राष्ट्रीयता के बारे में ये बहुत अग्रसर हैं, तो इसलिए यहाँ आके अच्छा ही लगता है। और आज रामनवमी भी है, इसके लिए मैं करनाल वासियों को शुभकामनाएं भी देता हूँ, बहुत बधाइयाँ भी देता हूँ। ये मुझे पता लगा है, जमीन ले ली है और आपके माध्यम से मैं आज चौकी में ये प्रार्थना भी करूँगा सबसे कि सहयोग दीजिए तन मन धन से। मेरा ये मानना है
कि मंदिर सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए नहीं होते हैं, यहाँ समाज के सब क्षेत्रों के लोग इकट्ठे होते हैं, समाज की बातें होती हैं, देश की बातें होती हैं, और ये आपका अपना काम है, इसलिए इस मंदिर के लिए सहयोग दीजिए। संदेश देना चाहेंगे माँ बाप को कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भटक रही है, वो मोबाइल और जो इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है। देखिए मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं आशावादी हूँ। जहाँ मोबाइल भटका रहा है वहाँ मोबाइल में आज उसके बहुत फायदे भी हैं, और युवा पीढ़ी के प्रति मैं बहुत आशावादी हूँ। ये तो फैशन है, कभी पेंट की मोरी बड़ी हो गई, कभी छोटी हो गई, बेसिक तो वो पेंट है। युवा पीढ़ी के विचार आज भी देश के प्रति, समाज के प्रति भी है। ठीक है, कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन वो अपवाद होते हैं, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सब मुख्य धारा में जुड़े, देश प्रेम जागे, भारत माता की जय हो, ये मेरी युवा पीढ़ी के लिए प्रार्थना भी है और रिक्वेस्ट भी है।